उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन से रविवार को 6 लोगों की मौत हो गई और अगले 2 दिनों में और भारी बारिश के पूर्वानुमान के बीच गंगा सहित सभी प्रमुख नदियों में जल स्तर बढ़ने के कारण पहाड़ी राज्य में अधिकारियों ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। खराब मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अनावश्यक आवाजाही से बचने का आग्रह किया और राज्य में आने वाले तीर्थ यात्रियों से असुविधा से बचने के लिए मौसम की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के बाद ही अपनी यात्रा की योजना बनाने का अनुरोध किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रशासन को किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए रेड अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। भूस्खलन के कारण कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जिसमें सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ और साथ ही चारधाम यात्रा भी बाधित हुई, जिसके लिए लाखों लोग राज्य में आते हैं। अधिकारियों ने बताया कि गंगा समेत राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। केदारनाथ से 11 तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक जीप टिहरी गढ़वाल जिले के मुनि रेती क्षेत्र में गंगा नदी में गिर गई। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने कहा कि गोताखोरों की मदद से 5 लोगों को बचाया गया है और 3 तीर्थयात्रियों के शव बरामद किए गए हैं। अन्य 3 लापता लोगों की तलाश की जा रही है। यात्री दिल्ली, बिहार और हैदराबाद के रहने वाले थे। उत्तराखंड पुलिस ने भी ट्वीट कर हरिद्वार में गंगा के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए कांवरियों को सतर्क रहने को कहा है। इस बीच यहां मौसम विभाग ने राज्य के 13 जिलों में से 8 जिलों चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 11 और 12 जुलाई को भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट कस्बे में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी की भूस्खलन में पत्थर की चपेट में आने से मौत हो गई। वहां तैनात एक अन्य होमगार्ड भी पत्थर गिरने से बाल बाल बच गया। ये दुर्घटना ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोलर के पास मलकुंती पुल और होटल आनंद काशी के बीच हुई। भारी बारिश के कारण जिले के काशीपुर क्षेत्र के मिसरवाला गांव में 2 मकान ढह गए, जिससे एक दंपत्ति की मौत हो गई और एक पोती घायल हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी टीवी भारत।